नमस्कार दोस्तों, तो हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ। फ्रेंड्स, हमने इंडियन रिवर सिस्टम को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट है वो है हिमालयन रिवर सिस्टम्स। जो रिवर्स हिमालयन रीजन से निकलती हैं या फिर उस वैली में बहती हैं, उनको हम हिमालयन रिवर्स में डालेंगे। नेक्स्ट, हमने इसको डिवाइड किया हुआ है पेनिनसुलर रिवर्स में। जो रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं वो हमारी सारी आ जाएंगी पेनिनसुलर रिवर्स में। और आज हम हिमालयन रिवर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली तीन वेल नोन और मेन हिमालयन रिवर्स हैं, जिनका नाम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन्हीं के आसपास हिमालयन रीजन की बाकी नदियाँ भी बहती हैं। तो हम मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे इंडस रिवर सिस्टम से। तो बात करें सोर्स ऑफ ऑरिजिन की, तो इंडस रिवर जो है वो तिब्बत प्लेट्यू के मान सरोवर के करीब कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से। ओके, तिब्बत प्लेट्यू में, ये पूरा तिब्बत है, यहाँ पर मेंशन भी है ऑलरेडी। तो ये जो हमारा पूरा प्लेट्यू है, ये है तिब्बत प्लेट्यू। यहाँ पर हमारी कैलाश रेंज है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कैलाश रेंज अवेलेबल है। ठीक है, यहीं पर मानसरोवर के आसपास से ये रिवर निकलती है। तो ये रिवर यहाँ से फ्लो होते हुए इंडिया के अंदर कहाँ पर एंटर करती है? इंडिया के अंदर एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, ये इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है। ओके, देन ये उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। आफ्टर दैट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरे पाकिस्तान में फ्लो होते हुए फाइनली कराची पहुंचती है। ठीक है, कराची पहुंचकर ये अरेबियन सी में गिर जाती है। फाइनली कहां पर ये फॉल होती है? ये फॉल होती है अरेबियन सी में। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स हैं इस रिवर के, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिवर है? ये है हमारी इंडस। ओके, इंडस। चलिए, तो इंडस से एक बात याद आई, जो इंडस है, ठीक है, इसी रिवर के कारण, इसी रिवर के नाम के कारण ही हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? इंडिया। ठीक है, इंडिया, हमारे देश का नाम इंडिया इसी रिवर के कारण रखा गया है। ओके, चलिए, और एक और चीज़, जो इंडस रिवर है, ये जो इंडस रिवर है, ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान की। ओके, इसके अलावा एक मेन बात और है जो आपको बतानी है। आपने नाम सुना होगा हमारा एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इस रिवर के किनारे पर पूरा सिविलाइजेशन हमारा बसा हुआ था। दैट्स व्हाई इसको बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी इंडस रिवर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू जो कि चाइना में है। ओके, तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है मानसरोवर के करीब। ठीक है, कैलाश रेंज में। ठीक है, कैलाश रेंज के मानसरोवर के करीब तिब्बत प्लेट्यू से ये निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? इंडस रिवर। ठीक है, देन तिब्बत में फ्लो करते हुए जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो होते हुए पाकिस्तान एंटर कर जाती है। आफ्टर दैट ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, एंड पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है। ओके, एंड फाइनली ये कराची में जाके फॉल होती है अरेबियन सी में। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई इंडस रिवर की बात। तो इसकी अब कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ओके, चलिए अब हम उन पर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली हम उनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे। ट्रिब्यूटरीज के लिए एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे सपोज ये हमारी रिवर है। ओके, चलिए, अगर रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये है, ठीक है, अगर रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो हमारी ये वाली जो रिवर्स होंगी, ये होंगी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, और ये वाली जो रिवर्स होंगी, ये होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, मतलब वो नदियाँ जो राइट साइड से इसके अंदर फॉल करती हैं। ओके, और लेफ्ट बैंक मतलब वो नदियाँ जो लेफ्ट साइड से इसके अंदर गिरती हैं आके। ओके, चलिए, और सपोज अगर रिवर का डायरेक्शन ये है, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो आप समझिए कि आप इसी साइड फेस करके खड़े हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा? इधर होगा, और राइट हैंड इधर। तो ये आपके लिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, और इस साइड हो जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिससे आप आगे चल के कन्फ्यूज नहीं होंगे। ओके, चलिए, तो हमारी जो पहली ट्रिब्यूटरी है वो निकलती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से। ठीक है, वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से बारालाचा पास से। ठीक, हमारी इस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? ये है चेनाब।
ठीक है, आपने नाम सुना होगा चेनाब रिवर है, जो कि इंडस में फॉल करती है फाइनली जाके। तो ये रिवर निकलती कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से। ओके, तो ये हिमाचल प्रदेश में फ्लो करते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, एंड फाइनली जम्मू कश्मीर में फ्लो होते हुए पाकिस्तान एंटर कर जाती है। देन आफ्टर सम टाइम ये इंडस में फॉल होती है। इंडस में अब ये कहाँ फॉल होती है? इंडस में ये फॉल होती है मिथान कोट करके एक जगह होती है, वहाँ पर ये फॉल कर जाती है फाइनली। तो कौन सी रिवर है? ये है चेनाब रिवर। ओके, तो चेनाब, ठीक। चेनाब के बाद हमारी जो अगली ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम। ठीक है, ये रिवर कहाँ से निकलती है? इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये रिवर जम्मू एंड कश्मीर से ही ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? वेरीनाग वाटर स्प्रिंग से। ठीक है, वेरीनाग वाटर स्प्रिंग में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये रिवर पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है, एंड फाइनली कुछ देर के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी फ्लो करती है, एंड आफ्टर दैट ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, और फाइनली चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ओके, तो ये हमारी कौन सी रिवर थी? ये है हमारी झेलम। ओके, ये है झेलम रिवर। चलिए, झेलम रिवर पे कुछ फैक्ट्स और हैं जो और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? झेलम रिवर जो है वेरीनाग वाटर स्प्रिंग से निकलती है, या फिर पीर पंजाल रेंज की तलहटी से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर एक रेंज है जिसको बोलते हैं हम पीर पंजाल रेंज। ठीक है, इसकी तलहटी से ये निकलती है और बहते हुए आगे चलकर चेनाब में फॉल हो जाती है। इसी रिवर के किनारे जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल स्थित है, क्या नाम है उसका? श्रीनगर। ओके, श्रीनगर जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? वो इस रिवर बैंक के किनारे पर है। कौन सी रिवर बैंक? झेलम। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और आगे चल के इस रिवर पर एक लेक पड़ता है जिसको हम बोलते हैं वुलार लेक। ओके, ठीक है, तो वुलार झील किस पर स्थित है? वो भी झेलम रिवर पर है, एंड फाइनली ये फ्लो करते हुए एज अ बॉर्डर एक्ट करते हुए चेनाब रिवर में जाके मिल जाती है। तो ये तो हो गई हमारी दो ट्रिब्यूटरीज, अब हम बात करते हैं अगली ट्रिब्यूटरी की। ठीक है, तो हमारी अगली ट्रिब्यूटरी है रावी। ओके, तो रावी कहाँ से निकलती है? रावी भी हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज के पास से ही निकलती है। ठीक है, चलिए, तो रावी क्या करती है? हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद पंजाब में फ्लो करती है, देन उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और आगे जाकर चेनाब रिवर में फॉल करती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है हमारी? ये है रावी नदी। ठीक है, ओके, तो ये कहाँ से निकलती है? रतन पास के करीब से निकलती है, और कहाँ जाके गिर जाती है? ये अहमदपुर सियाल। ठीक है, अहमदपुर सियाल में जाके ये चेनाब के अंदर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं हमारी अगली ट्रिब्यूटरी की। ठीक है, हमारी अगली ट्रिब्यूटरी है सतलज। ठीक है, सतलज, सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज भी मानसरोवर के करीब रक्सिस्टर लेक से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ फ्लो करती है? ये तिब्बत से होते हुए हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में फ्लो करते हुए ये पंजाब एंटर करती है, एंड फाइनली पंजाब होते हुए ये रिवर चेनाब को ज्वाइन कर लेती है। कहाँ पर? मेथान कोट में। ओके, चलिए, कौन सी रिवर है? यह है हमारी सतलज। चलिए, तो इस रिवर के ऊपर इंडिया का लार्जेस्ट डैम कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, जिसका नाम है भाकरा नांगल डैम। ठीक है, क्या नाम है उसका? भाकरा नांगल डैम। वो किस नदी पर है? वो है सतलज रिवर पे। ठीक है, चलिए, तो ये रिवर निकलती कहाँ से? ये भी मानसरोवर के करीब से निकलती है। ठीक है, रक्सिस्टर लेक से निकलती है और फाइनली हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, देन आफ्टर दैट पंजाब में फ्लो होती है, एंड आफ्टर दैट ये पाकिस्तान एंटर कर जाती है और चेनाब में जाके फॉल होती है मेथानकोट में। ओके, तो ये हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? ये हमारी फोर्थ ट्रिब्यूटरी थी। ओके, चलिए, अब एक ट्रिब्यूटरी और बची है हमारी इस ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सी रिवर है। जी हाँ, व्यास। तो हमारी जो व्यास रिवर है वो भी रतन पास से ही निकलती है और पंजाब के अंदर जाकर सतलज में फॉल हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर फॉल होती है? ये पंजाब में सतलज रिवर के अंदर फॉल हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी रिवर है ये? ये है ब्यास। ओके, ब्यास रिवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी कि
कि ये जो सिर्फ ब्यास रिवर है, ठीक है, यही एक लौती रिवर है इस ड्रेनेज सिस्टम में जो कि कम्प्लीटली इंडिया में फ्लो कर रही है। बाकी इसके अलावा जितनी भी रिवर्स हैं इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम में, वो सारी की सारी पाकिस्तान में चली जाती हैं। सिर्फ ब्यास ही एक ऐसी रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है एंड फाइनली पंजाब में सतलज के अंदर मर्ज हो जाती है। ठीक है, चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम एंड आफ्टर दैट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो उनको हम अगले वीडियोस में कंसल्ट करेंगे। अभी यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, तो आप इन रिवर्स को देख लीजिए, अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। इनसे ही आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बेस्ड होंगे हमारे गंगा रिवर सिस्टम पे। ओके, इसमें कोई डाउट है, कुछ छूट गया है तो आप बताइए, मैं उसको फिर से कवर करूँगा। और फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को थम्सअप कीजिए और अपनी क्वेरीज़ को कॉमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।